तो गाइज अभी हम आ चुके हैं ट्रैकिंग में और यहाँ से अप्रोक्स 5 किलोमीटर दूर है। काफी सिनेमैटिक व्यू है इधर का, आप देखिए, ये देखिए चारों तरफ पहाड़ है। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं ट्रैकिंग में और यहाँ से 50 मिनट लगेगा शांति स्तूपा जाने में बाय फुट। तो जो गाड़ी वगैरह जाती है वो इधर से जाती है, और अगर आपको बाय फुट जाना है तो इधर सीढ़ी बना हुआ है, आप इधर से जा सकते हो। तो चलिए अभी हम ऊपर चढ़ के फिर आपसे मिलते हैं। उधर नहीं, इधर से, इधर से, इधर से। तो ऐसा कुछ व्यू है ऊपर से, और अभी हम इससे भी ऊपर जाने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। गाइज अभी हमने आधी चढ़ाई पूरी कर ली है, और जो ऊपर आपको दिख रहा होगा वही शांति स्तूपा है, और अभी हम वहाँ जाने वाले हैं। और रास्ते काफ़ी ख़तरनाक हैं, बहुत सारे जंगली जानवर भी मिलते हैं, सांप वगैरह। तो अभी तो हम लोग लगभग आ गए ऊपर। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं आंदू गुरुंग विलेज में, और अभी हम आ चुके हैं शांति स्तूपा के बगल में, और सामने आपको दिख रहा होगा अभी वहां जाने वाले हैं। और लगभग 1.5 घंटे की ट्रैकिंग थी हमारी, और काफ़ी टफ ट्रैकिंग थी, सीढ़ियां थी और रोडवेज, और भी बहुत सारी जंगल से होकर गुजरना पड़ा हमें। उसका रिकॉर्ड तो मैंने नहीं किया क्योंकि बहुत थक गया था, बट अब ऊपर पहुँचते हैं और ऊपर का सीन आपको दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो में आप आगे बने रहिए। अभी हम घूम लिए शांति स्तूपा, और काफ़ी पीसफुल प्लेस है, तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे। तो गाइज अभी हम ट्रैकिंग मेरी ख़त्म हो गई है, और अभी हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं, और अभी स्तूपा से नीचे आ गए हैं। और ये रोड है, और यहाँ से अप्रोक्स 5 किलोमीटर दूर है, तो अभी बाई फुट ही जाएंगे क्योंकि बाई फुट ही आए थे हम लोग, क्योंकि टैक्सी का बहुत ज़्यादा किराया लग रहा था इसीलिए। तो चलिए, और काफ़ी सिनेमैटिक व्यू है इधर का, आप देखिए, ये देखिए चारों तरफ पहाड़ है, बीच में एक लेक है, और इस साइड भी मैक्सिमम इधर आपको पहाड़ ही मिलेगा और जंगल मिलेगा। और तो काफ़ी अच्छा लगा, बिल्कुल पीसफुल प्लेस था,
तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।